नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 43 साल की हुई भाजपा, पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी स्थापना दिवस की बधाई। कहा, अब भारत पहले से ज्यादा सक्षम। भाजपा हनुमान जी से प्रेरणा पाती है, हनुमान जी दुष्टों का नाश करते हैं, भाजपा भ्रष्टाचारियों का। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सरकार अलर्ट, हनुमान जयंती को लेकर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात। पिछले सप्ताह रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा और हुगली में कुछ स्थानों पर हुई थी 2 गुटों में झड़प। दिल्ली के जहांगीर पुरी में सुरक्षा सख्त। हल्द्वानी में मुस्लिम समाज द्वारा अवैध रूप से बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर बवाल। मुस्लिम समुदाय के 800 लोगों पर केस दर्ज। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हाईवे जाम करने का मामला। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 500 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 26.54% हुई। राज्य में अब तक कुल 20,12,064 लोग कोरोना से संक्रमित, 26,533 लोगों की मौत। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को चेतावनी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, अगर उद्धव सलाह नहीं मानते हैं तो भाजपा कार्यकर्ता उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, राहुल गांधी की वजह से मैं कांग्रेस में नहीं, सोनिया खड़गे के हाथ में कुछ भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में रहने के लिए रणविहीन होने की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को मुलायम यादव दिलीप महाल नाबीस को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। लेखक सुधा मूर्ति, भौतिकी विज्ञान दीपक धर, उपन्यासकार एस एल भैरप्पा और वैदिक विद्वान त्रिदंडी चिन्ना जे स्वामी जी समेत 51 लोगों को भी मिला पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले कर्नाटक के बीदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, मेरा यह सोचना गलत था कि भाजपा सरकार उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित नहीं करेगी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के परीक्षण विमान ने बुधवार को अपनी पहली उड़ान भरी। विमान ने बेंगलुरु में HAL के हवाई अड्डे से 35 मिनट तक उड़ान भरी। पंजाब किंग्स ने IPL के सांस रोक देने वाले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 5 रनों से हराया। पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 192 रन ही बना सकी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।